जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बैटरी और इन्वर्टर के कनेक्शन के बारे में जानेंगे कि बैटरी का और इन्वर्टर का हम कनेक्शन कैसे करें जिससे बैटरी हमारी इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाए और एक पोर्टेबल जो सप्लाई हम चाहिए वो हमारी ज़रूरत जो हो पूरी हो जाए। क्योंकि अगर आप इन्वर्टर और बैटरी कनेक्शन के लिए अगर किसी को बुलाते हैं तो वो 1000 रुपये के आसपास आपके कनेक्शन के ले लेगा। और अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। तो इसको आप कनेक्शन को खुद ही कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी इसका कनेक्शन होता है, आसानी से आप कर सकते हैं। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी अगर यह चीज़ नहीं पता है इन्वर्टर और बैटरी कनेक्शन तो वो इसको समझ जाएंगे, ताकि उनको भी यह आगे चल करके कहीं ना कहीं पर फ़ायदा ज़रूर देगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, इन्वर्टर का और बैटरी के साथ कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले एक एसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कि मेन जो पावर हाउस से सप्लाई आ रही होती है उसकी ज़रूरत होती है। मतलब 220 वोल्ट इसमें इनपुट आ रहा हो। इसके बाद जो आपके घर का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहाँ पर MCB वगैरह लगी है वो होना चाहिए। उसके बाद ये आपका जो मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जो इन्वर्टर की जो सप्लाई आएगी, मतलब जो सप्लाई इसमें आएगी वो इन्वर्टर की सप्लाई आएगी और इससे जो निकल करके जाएगी वो घरों में लगा हुआ, कमरों में लगा हुआ जो डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब प्लस बोर्ड है जहाँ पर मान लीजिए हम पंखा TV वगैरह चलाते हैं उस बोर्ड में सप्लाई देनी है। उसके अलावा ये हमारा इन्वर्टर है और ये हमारी बैटरी है। अब आइए इन पांचों चीज़ों का हम कनेक्शन करते हैं एक एक करके। देखिए, इन्वर्टर और बैटरी का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन्वर्टर की पीछे साइड में जब आप जाएंगे तो पीछे साइड में आप देखेंगे कि दो मोटे मोटे तार होते हैं और उनमें इस प्रकार से देखिए प्लस और माइनस लिखा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैटरी के तार हैं। इसमें से जो लाल तार है उसको सिंपल आप लाल वाले में जो फेस वाला है वहाँ पर ले जाके आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद जो काला वाला तार है उसको सीधे आप माइनस वाला है वहाँ पर ले जा करके आप कनेक्ट करेंगे। मतलब लाल तार को पॉजिटिव में और जो काला तार है उसको आप नेगेटिव में ला के कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से बैटरी का कनेक्शन हो जाएगा इन्वर्टर के साथ में। पीछे साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर और लिखा भी होता है, यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा हुआ है, 24 वोल्ट लिखा होता है। तो मतलब ये हुआ कि बैटरी जो इसके साथ में कनेक्ट होगी वो 12 वोल्ट की होगी। 24 वोल्ट लिखा हुआ मतलब इसके साथ जो बैटरी कनेक्ट होगी वो 24 वोल्ट की बैटरी होगी। फिलहाल इसमें 12 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसके सिंपल लाल तार को पॉजिटिव के साथ में जोड़ देना है, काले तार को आपको नेगेटिव के साथ में जोड़ देना है। इस प्रकार से इन्वर्टर और बैटरी कनेक्शन हो गया। अब जब बैटरी के साथ में इन्वर्टर कनेक्शन हो गया, अब इस इन्वर्टर का आप पीछे साइड में देखेंगे तो एक आपको 15 एम्पियर का एक सॉकेट मिल जाएगा। इस सॉकेट में आप क्या करिए कि एक 15 एम्पियर का ही प्लग टॉप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद इसका जो आउटपुट है वो सीधा आप जो आपका TV है लगी हुई आपके घर में, जो MCB है बॉक्स है वहाँ पर ले जा करके उसके इनपुट में आप दे दीजिए। मेन अगर आपको पूरे घर में सप्लाई चाहिए तो ठीक है, तो पूरे घर में आपको सप्लाई चाहिए तो वहाँ पर आप मेन में ले जा करके लगा दीजिए। अगर आपको पर्टिकुलर मतलब जिसे पंखा में ही केवल देनी है, यहाँ पर जब आप देंगे तो आप पंखा TV वॉशिंग मशीन सब कुछ चला सकते हैं इन्वर्टर से। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से चाहिए कि केवल पंखा ही चले आपका या बल्ब ही चले तो उसके लिए अलग से कनेक्शन होगा। आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप समझिए मैं पूरे घर में सप्लाई आपकी इन्वर्टर की दे रहा हूँ वो उसका कनेक्शन है। तो मेन में ले जा करके आपने इस प्रकार से लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बैटरी का कनेक्शन हो गया इन्वर्टर के साथ में और इन्वर्टर का जो AC जो आउटपुट है वो आपने मेन जो DB है वहाँ पर ले जा करके आपने दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इन्वर्टर का बैटरी के साथ कनेक्शन हो गया, DB का इन्वर्टर के साथ में मतलब जो इन्वर्टर है उसका जो आउटपुट AC है वो आपने DB में ले जा करके दे दिया। इसके बाद अब आपके इन्वर्टर को AC सप्लाई देनी है, जो कि इनकमिंग सप्लाई है, जो मैंने आपको बताया था पावर हाउस से जो सप्लाई आ रही है वो क्या करेगी, इन्वर्टर को सप्लाई आएगा और इन्वर्टर क्या करेगा, DC सप्लाई निकाल करके बैटरी को चार्ज करेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से देना है। तो आप देखेंगे पीछे साइड में दो तार निकले होते हैं इन्वर्टर में, एक तो मैंने आपको बता दिया ये DC बैटरी का जो तार है वो है, उसके बाद एक तार और होगा उसमें तीन होते हैं, रेड होता है, ब्लैक होता है और ग्रीन होता है, तीन तार होते हैं। तो रेड जो आपका फेस का होता है, ब्लैक जो होता है न्यूट्रल का होता है और जो ग्रीन होता है ये आपका अर्थिंग का तार होता है। तो सिंपल इसमें एक प्लग टॉप आप इस प्रकार से लगा दीजिए और इनका कनेक्शन कर करके सीधे आप AC जो सप्लाई है
220 वोल्ट की उसमें आपने सप्लाई दे दिया, तो इस प्रकार से यहाँ से सप्लाई निकल करके इन्वर्टर में आ जाएगा, इन्वर्टर को एसी सप्लाई मिल जाएगी। अब एसी सप्लाई क्या करेगा, इन्वर्टर जो है क्या करेगा, उस सप्लाई को डीसी में चेंज करके बैटरी को चार्ज कर देगा, और जब आपकी सप्लाई चली जाएगी, बिजली सप्लाई बाधित हो जाएगी, तो वापस इन्वर्टर जो बैटरी से डीसी सप्लाई लेगा और इसको एसी में चेंज करेगा, और इस दोनों तारों के माध्यम से जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है आपका, वहां पर सप्लाई दे देगा इन्वर्टर। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, इस प्रकार सब कनेक्शन करना है। अब इसके बाद क्या करना है, बैटरी के साथ में इन्वर्टर कनेक्शन हो गया, उसके बाद डीवी के साथ में इन्वर्टर कनेक्शन कर दिया, और मेन जो आपका 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है पावर हाउस की, उसके साथ बैटरी का आपका इन्वर्टर कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो इसमें मेन डीवी में जो मेन एमसीबी में आपने सप्लाई दे दी, अब क्या है कि न्यूट्रल तो सभी का इस प्रकार से लूप ही रहेगा, अब जो यह एमसीबी है ना, इस एमसीबी से इस प्रकार से यहाँ पर लूप कर दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से इधर लूप कर दिया, इधर से इस प्रकार से लूप कर देना है। अब इसका जो आउटपुट है निकाल करके सीधा बोर्ड को, मतलब जो स्विच में फेस वाला जो तार है वहाँ पर ले जा करके आप कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से न्यूट्रल तो सीधे जा ही रहा था, फेस जो है इस एमसीबी को जैसे ही आप उठाएंगे सीधे फेस वहाँ पर पहुँच जाएगा इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर का जो न्यूट्रल है वो मिल गया और फेस जो है वो मिल गया, तो इस प्रकार से इस बोर्ड में सप्लाई आ जाएगी। अब यहाँ पर चाहे आप पंखे को चलाइए, चाहे आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करिए, कुछ भी काम करिए, इस प्रकार से आप कनेक्शन करना है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, बैटरी के साथ में आपको इन्वर्टर कनेक्शन इस प्रकार से करना है, पीछे जो दोनों तार होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब लाल तार, नेगेटिव मतलब काला तार, तो लाल तार को सीधे आपको फेस में लगा, प्लस में लगा देना, पॉजिटिव में लगा देना है, और काले तार को सीधे आपको न्यूट्रल में या नेगेटिव वाले में लगा देना है। इस प्रकार से बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो आपका इन्वर्टर है, इन्वर्टर में पीछे साइड में 15 एम्पीयर का सॉकेट होता है, इस सॉकेट की जो सप्लाई है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के मेन एमसीबी में दे देना है। उसके बाद जो आपकी एसी सप्लाई आ रही है उसको सीधा आपको इन्वर्टर को देना है। पीछे जो तार होता है इसमें तीन तार होते हैं, लाल, काला और हरा, इसको आप सीधे प्लग टॉप में कनेक्ट करके इस प्रकार से आपको सप्लाई देनी है। मतलब इन्वर्टर को सीधे एसी सप्लाई मिल गई, इन्वर्टर जो है एसी सप्लाई को डीसी में बदल करके बैटरी को चार्ज करेगा, और जब सप्लाई चली जाएगी पावर हाउस की तो क्या करेगा, इसी तार के माध्यम से डीसी सप्लाई जो बैटरी से इन्वर्टर लेगा और उसको एसी में चेंज करके जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहाँ पर दे देगा। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो नेगेटिव है, न्यूट्रल है, वो तो सीधे कॉमन जा रहा है, सीधे निकला और सीधे चला गया, न्यूट्रल कंट्रोल नहीं होता, फेस ही कंट्रोल होता है। अब यहाँ पर इस प्रकार से आप लूप करके एक एमसीबी का सीधे तार ले जा करके आप अपने बोर्ड को दे देंगे सप्लाई, इस प्रकार से आपका बोर्ड चार्ज हो जाएगा, सप्लाई आ जाएगी इन्वर्टर की, और आप अपना ज़रूरत का जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्वर्टर का कनेक्शन होता है बैटरी के साथ में, और घर के जो अलग अलग उपकरण हैं, अलग अलग बोर्ड हैं, वहाँ पर इस प्रकार से आपको सप्लाई देनी होती है। अब कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि इन्वर्टर से सिंगल तार को निकाला जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्या वो सिंगल तार लेके जाना इन्वर्टर का प्रॉपर तरीका है, सही तरीका है कि नहीं, इससे इन्वर्टर को नुकसान होता है कि नहीं होता है, अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और भी इन्वर्टर से संबंधित कोई आपके मन में कन्फ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करिएगा, अगर आपका कमेंट अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, जय हिंद।